हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूं। और आज का वीडियो नवरात्र स्पेशल है देवी जी के लिए। सो बहुत सारे लोगों के बहुत पहले से एक विचार है जो मेरे साथ शेयर कर रहे थे। तो किसी का कॉमेंट ये था कि दीदी, क्या हम नवरात्र में दुर्गा जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन फिर उसकी विधि क्या है उसको समझ लें। सबसे पहले तो ये कि जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस है वो 5 दिन का होता है, ठीक है। अब आप नवरात्र में साधना भी करेंगे, है ना, तो आप क्या करें, कैसे स्थापना करें, वो मैं आपको विधि बता देती हूँ। समस्त देवी देवताओं की स्थापना के लिए नवरात्र का जो समय होता है वो अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि 10 ही दिशाओं खुली रहती हैं। सिर्फ शिवलिंग की स्थापना में आपको किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, बकाया कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देवी जी की स्थापना कर रहे हैं, तो आप प्रतिपदा तिथि से ही स्टार्ट करें, ठीक ना। अब आप सोचेंगे, दीदी हम स्थापना कर रहे हैं तो फिर ये बताएं कि हम और चीज़ें कैसे करेंगे, व्रत कैसे करेंगे। तो आप क्या करें, देवी जी की चूँकि आपके पास पहले से कोई तस्वीर होगी, कोई फ़ोटो होगी, अगर वो है तो आप उसको रख लें, ठीक है ना। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आप क्या करें, आप एक स्थान को निश्चित कर लें कि हाँ, हम इस जगह पे कलश की स्थापना करेंगे, अखंड ज्योत की स्थापना करेंगे, पूरा घट स्थापित करेंगे। सो आप पूरा घट स्थापित कर दें और वहीं पे बीच में एक स्थान बना लें जिसमें आपको देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। जैसे कि हम अलग अलग करते हैं ना, अनाज में रखा, फल में रखा, और इसमें रखा, उसमें रखा, जिस तरीके से हम करते हैं। तो हमने देवी जी की स्थापना के लिए एक अलग वीडियो जो है अपलोड किया है चैनल पर, उसको आप चेक करिएगा, क्योंकि उसमें बहुत अलग विधि से स्थापना है दुर्गा जी की। जैसे राधा कृष्ण जी की होती है बिल्कुल वैसे नहीं है, थोड़ा सा विधि अलग है। तो वीडियो हमने अपलोड की हुई, उसको चेक करिएगा। तो आप वहीं पर जिस भी बर्तन में आप स्थापना करें उस बर्तन को आप वहीं रख लीजिए। मान के चलिए कि देवी जी आपके यहीं स्थापित हैं, और 5 दिन का जैसे ही आपका प्रोसेस पूरा होता है तो 6वें दिन फिर आप देवी जी को निकाल के स्नान इत्यादि कराकर और वहीं पर देवी जी को स्थापित कर दीजिए। सो इस नवरात्र में आपकी देवी जी की स्थापना इस प्रकार से हो जाएगी। कुछ लोगों का कहना यह है कि दीदी, क्या एक दिन में प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस होता? नहीं, ऐसा कोई विधान नहीं, कहीं ऐसा कोई विधान नहीं है, और अगर है तो मैं इसका समर्थन नहीं करती। शास्त्रों में ऐसी कोई विधि नहीं लिखी है, ना ऐसा कोई विधान है कि एक दिन में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, ना वो 5 दिन का प्रॉपर विधान चलता है, उसमें ही होती है, और उसमें ही हम चीज़ों को देख रहे होते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है भी या नहीं है, कहीं हमें नुकसान तो नहीं हो रहा है कोई, तो उसको टेस्टिंग चलती रहती है। सो एक दिन में नहीं संभव है। हाँ, आप इस विधि से कर सकते हैं। अब आप ये सोचें कि आप प्राण प्रतिष्ठा ना भी करें और आपका जो है चलता रहे, देवी जी को स्थापित कर लें। जैसे बहुत सारे लोग कमेंट आते, दीदी हम नवरात्र में ही देवी जी लाना चाह रहे हैं। नहीं, तो ये कोई वो नहीं है कि नहीं हम नवरात्र में नहीं ला सकते या हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहते नवरात्र में। हाँ, लेकिन ये गलती मत करिएगा कि आप नवरात्र में देवी जी को ले तो आए, आपने पहले दिन उनको स्थापित कर दिया, 5 दिन आपने पूजा कर ली, आप 6वें दिन को प्राण प्रतिष्ठा में डाल दिया, ये मत करिएगा। आप प्रतिपदा तिथि से उनकी स्थापना जो है वो शुरू करिए। अगर वो आपके घर में स्थापित हो गई हैं, भले ही प्रोसेस जो है प्राण प्रतिष्ठा का चल रहा है, वो स्थापित तो हो ही गई हैं। वो जो कलश है ना, वो देवी का स्वरूप है। जो अखंड जो जल रही है वो भी देवी के ही स्वरूप जल रही है। फिर भी अगर मन नहीं मान रहा है तो आप कोई पोस्टर ला के दीवार में लगा लें दुर्गा जी का, ये रहे कि हाँ भाई ये हमारी देवी जी, हम इनका ध्यान केंद्रित करके पूजा पाठ कर रहे हैं, और जैसे हमारी देवी जी स्थापित हो जाएंगे तो उनको हम निकाल देंगे, ये हो जाता है ना। तो इस तरीके से आप देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास कमेंट है, दीदी हम खुद से कर सकते हैं? देखिए, अगर जानकार हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको जरा सा भी लगता है कि आपसे चूक हो जाएगी, तो बेहतर है आप किसी ब्राह्मण देवता की देखरेख में कराएं। भाई देखिए, जब आप देवी जी को घर लाने का मादा रखते हैं, प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी पूजन का मादा रखते हैं, तो 5 दिन के लिए आप किसी ब्राह्मण देवता के द्वारा अगर प्राण प्रतिष्ठा करा ही लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, है कि नहीं? भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपके मन का ये हो सकता है, भाई पंडित जी आएंगे तो हमसे थोड़ा ज़्यादा पैसा ले लेंगे, कोई बात नहीं, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। वो 2-4 पैसा ज़्यादा ले जाएंगे, भगवान उनके कर्म को भी देख रहा है, आप 2-4 पैसा ज़्यादा दे देंगे, भगवान आपके भी कर्म को देख रहा है। ज़रूरत है अपने मन को शुद्ध करने की। हम सामने वाले के मन को नहीं बदल सकते, अपना मन बदल सकते हैं, हम अपना हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, सामने वाले का नहीं कर सकते, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप इस तरीके से देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा नवरात्र में भी कर सकते हैं। प्रतिपदा तिथि से शुरू करिए, 5 दिन की पूरी करिए और फिर उन्हें स्थापित कर दिया। अष्टमी, नवमी, 3 दिन फिर भी आपके पास विग्रह सेवा का रहेगा, और अगली बार जब नवरात्र आएंगी तो आपकी देवी जी पहले से प्राण प्रतिष्ठित हैं, तो आराम से पूजा करिए। और अगर अच्छा भाव है,
श्रद्धा है, प्रेम है, तो हर दिन नवरात्र है ना। और अगर अच्छा भाव ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, स्त्रियों का सम्मान ही नहीं है, तो फिर आप चाहे देवी जी को स्थापित कर दीजिए और चाहे अष्टभुजी को करिए, चाहे दस भुजी को करिए, क्या ही फर्क पड़ता है। तो मन में औरतों के लिए सम्मान रखिए, वो बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप अपनी माँ का सम्मान करते हैं तो दूसरे की भी माँ का सम्मान करिए। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, सिर्फ मेरी माँ का सम्मान है, दूसरे की माँ का सम्मान नहीं, और फिर हम देवी जी की स्थापना करते हैं, तो इस भावना से कोई फर्क नहीं पड़ता, विनाश निश्चित है। जिस घर में औरत का अपमान है वहाँ विनाश निश्चित हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो शक्ति की उपासना करने से पहले इस बात को समझिए कि हमें शक्ति को सम्मान कैसे देना होता है। सो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, मेक श्योर तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।